ये वजन कम करने का एक डरावना तरीका है। ये आपके शरीर से चर्बी को चूस कर कुछ ही मिनटों में 10 पाउंड कम कर सकता है। इस आदमी ने अभी अभी हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता जीती है। जैसे ही वो अपने कार में चढ़ता है उसके पीछे एक रहस्यमय राक्षस दिखाई देता है। तभी आदमी के शरीर में ऐठन होने लगती है और उसका कार कांपने लगता है। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ता है और डिफ्लेटेड बास्केटबॉल जैसे हो जाता है। डीन और सैम अपनी जाँच शुरू करते हैं। जब उन्होंने मामले के बारे में सुना तो उन्होंने देखा कि पीड़ित का वजन 400 पाउंड से घटकर 90 पाउंड हो गए हैं और उनके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगले दिन ऐसा ही एक मामला होता है। एक्सरसाइज कर रहे इस महिला को कोई पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर उस महिला का वजन तेजी से कम होने लगता है। उसके शरीर की चर्बी तेजी से निकल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों भाई घटना स्थल पर पहुँचते हैं। उस जाँच के बाद पीड़ित पर चूसन का निशान मिलता है। फिर वो लोग उसके कोच से पूछताछ करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि कोच पर भी चूसन का निशान है। पर हैरानी की बात यह है कि कोच अभी तक जिंदा कैसे है। कोच बताती है कि हाल ही में वो एक रहस्यमय स्पा में गई थी जो ग्राहकों को बिना डाइटिंग किए आसानी से वजन कम करने में मदद करने का दावा करती है। कोच के दिए गए सुराग के बाद दोनों भाई तुरंत स्पा में पहुंच जाते हैं। इनका मानना है कि इस स्पा का इन दोनों हत्याओं से कुछ लेना देना है। इस जगह के रहस्यों को पता लगाने के लिए वे निजी प्रशिक्षकों के रूप में काम करते हैं जो नौकरी की तलाश में है। वो लोग एक कपल से मिलते हैं जिनका नाम लैरी और मरितजा है। वो दोनों ही इस स्पा का मालिक है। वो लोग सैम को नौकरी दे देते हैं और डैन को दोपहर का खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। डैन जब रसोई में होता है तो उसे भूख लगती है तो वो थोड़ा सा खाना खा लेता है। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है जिस वजह से वो थोड़ा सा खाना चुरा लेता है। और अब डैन ने वो खाना खाया इस वजह से उसे चक्कर आने लगे हैं और वो मरने से ठीक पहले सैम को बुलाने की कोशिश करता है। सैम ने योगा सिखाते समय नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। हर ग्राहक के शरीर पर एक सक्शन मार्क है जैसा उन्होंने सोचा था। वही मरीजता एक क्लाइंट के लिए कॉपिंग थेरेपी कर रही थी। वो क्लाइंट को बताती है कि ये चीन की पारंपरिक तकनीक है जो न केवल आपके टॉक्सिक पदार्थों को ठीक करती है बल्कि ये आपके वजन कम करने में भी मदद करती है। नुकसान ये है कि ये आपके पीठ पर लाल चूसन का निशान छोड़ देगा और ये थेरेपी एक झूठ है। असल में वो निशान मरितजा के चर्बी चूसने की वजह से होता है। कक्षा के बाद सैम स्थानीय शेरिफ मैरी से टकराता है जिसने अभी अभी अपनी कपिंग थेरेपी पूरी की है। उनकी बातचीत के माध्यम से लैरी को सैम की असली पहचान पर संदेह होने लगता है। बाद में सैम रसोई में जाता है और डीन को आलू के ढेर के पास बेहोश पाता है। जाहिर तौर पर हलवा नशा किया गया है। सैम शेफ को ढूंढता है जिसने हलवा बनाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शेफ को कुछ भी पता नहीं है। यह पता चला है कि प्रत्येक ग्राहक को उनके कपिंग थेरेपी से पहले डालने की पेशकश की जाएगी और शेफ केवल मारित्जा और लैरी के अनुरोध के अनुसार पुडिंग में निर्दिष्ट पूरक जोड़ता है। मौजूदा हालात के मुताबिक भाइयों को यकीन है कि यह जोड़ी पिछली दो हत्याओं से जुड़ी हुई है। इस बीच दंपति ने दोनों भाइयों की असली पहचान का पता लगा लिया है। वे बदतर फिट हैं। वे शिकारी हैं। यहाँ शिकारियों द्वारा इस बिंदु पर वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके लिए बचना लगभग असंभव है और सबूतों को नष्ट करना अधिक उचित तरीका है। मरितजा फ्रिज से वसा निकालने और उसे डंप करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे लगता है कि यह इतना बेकार है इसलिए वह इसे खा भी सकती है। जैसे ही वह फैट का आनंद लेने वाली होती है डीन उसके पीछे आ जाता है। वह सब कुछ देखता है और फिर उसे कुर्सी से बांध देता है। मरितजा इस बात से इनकार करती है कि वह एक हत्यारा है। कह रही है कि वह सिर्फ एक पिस्तको है, मछली टैको और पिस्ताको उर्फ एक पेरू वसा चूसने वाला। वसा चूसकर वह लोगों को अपना वजन कम करने में मदद कर सकती है और एक ही समय में खुद को खिला सकती है, जो एक जीत की स्थिति है। उसका दावा है कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। फिर दोनों हत्याओं का जिम्मेदार कौन? यह उसका भाई अलोसो निकला, जो अक्सर अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाता है। दंपति सालों से SPA बनाने के लिए काम कर रहे हैं और वे नहीं चाहते कि अलोसो की वजह से यह बर्बाद हो जाए। इसलिए लैरी ने अलोसो को आग लगाने का फैसला किया और वह अलोसो को पैक अप करने और तुरंत छोड़ने के लिए कहता है। जिस समय सैम वहां से गुजरता है उसे रसोई से चीखें सुनाई देती हैं। वह अंदर जाता है और पाता है कि लैरी को अलोसो ने मार दिया है। जब मरितजा को पता चलता है कि उसके पति को उसके भाई ने मार डाला है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। इन वर्षों में युगल मनुष्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा एक सिद्धांत का पालन किया है और वह है प्राप्त करने के लिए पर्याप्त खा रहा है। इसके विपरीत उसका भाई अलोसो एक लापरवाह आदमी है जिसने एक बार एक चिकित्सा सत्र के दौरान एक ग्राहक को लगभग मार डाला क्योंकि उसने बहुत अधिक वसा चूसा था। मरितजा को उसे रसोई में काम पर रखना था और उसे केवल घड़ों की चर्बी खाने देनी थी, लेकिन अलोसो बस वसा की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकता। यही वजह है कि पिछली दो हत्याएं हुई थी। अलोसो को और अधिक निर्दोष लोगों को मारने से रोकने के लिए वह उन दो भाइयों को बताती है जहां अलोसो छुपा हो सकता है। आप भाई अपने चाकू और फ्लैशलाइट को तहखाने में ले जाते हैं
और वे खोज करने के लिए अलग होने का फैसला करते हैं। पर्यावरण से अपरिचित सैम पर पीछे से हमला किया जाता है। अलोंसो सैम को जमीन पर टिकाने के लिए कोठरी का उपयोग करता है और सैम कोठरी को दूर धकेलने के लिए संघर्ष करता है। सैम चाकू लेने के लिए दौड़ता है लेकिन वह अभी भी अलोंसो के लिए कोई मुकाबला नहीं है और फिर से जमीन पर गिरा दिया गया है। अलोंसो अपनी सूंड से सैम को एक घातक झटका देने की कोशिश करता है लेकिन सौभाग्य से डीन ठीक समय पर आता है और अपनी सूंड को काट देता है। सैम बच जाता है जबकि अलोंसो तुरंत मर जाता है क्योंकि वह अपनी सूंड खो देता है। हालांकि मारित्सा भी एक राक्षस है क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है और लड़कों को मामले को सुलझाने में मदद की है। लड़कों ने उसे जाने देने का फैसला किया।